देखिए फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले ये वाला पावर बैंक, ये 2-in-1 पावर बैंक है। इसके साथ पावर बैंक और एक इमरजेंसी लाइट भी दी गई है। इसकी ब्राइटनेस बहुत ही अच्छी है और दो फ़ोन एक साथ चार्ज कर सकते हैं। तो देख लेते हैं इसकी मेकिंग की वीडियो। चलिए चलते हैं स्टूडियो के अंदर। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं पीसी पाइप का पीस ले रहा हूँ। तो इसे हम कट करके इसकी शीट बना के हमने कुछ पीसेस कट कर लिए। तो इसकी डायमेंशन आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो चलिए सबसे पहले हम इसका बॉक्स बना लेते हैं। हम इसे सुपर ग्लू की मदद से चिपका रहे हैं, आप चाहे तो और किसी ग्लू की मदद से चिपका सकते हैं। तो चलिए मैं इसका बॉक्स कंप्लीट कर लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका बॉक्स कंप्लीट कर लिया है और अभी इसके अंदर हम 18650 लैपटॉप की बैटरी का यूज़ कर रहे हैं। एक बैटरी 2600 mAh की बैटरी है, तो मतलब 5200 mAh का हमारा पावर बैंक होगा। तो चलिए इसके पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके कनेक्शंस कर दिए और एक बैटरी पैक बना लिया है। तो अब ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर हम बैटरी पैक को चिपका देंगे। तो चलिए मैं इसे यहाँ पर सुपर ग्लू की मदद से चिपका देता हूँ। तो देखिए मैं इसे चिपका रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे चिपका लिया है पूरी तरह से। अब हम इसके अंदर एक स्विच का यूज़ कर रहे हैं। आप कौन से भी स्विच का यूज़ कर सकते हैं। हमने छोटा स्विच लिया है ताकि ये इसके अंदर आराम से आ जाए। तो चलिए इसकी डायमेंशन ड्रॉ करके इसे कट कर लेते हैं और हम यहाँ पे स्विच फिट कर देते हैं। तो देखिए, मैंने होल कट कर दिया और स्विच को यहाँ पर लगा दिया है। अब आपको स्विच की वायरिंग दिखा देते हैं। उससे पहले हम एक 4 वोल्ट LED स्ट्रिप ले रहे हैं, इसको हम बाहर चिपका देते हैं और इसके एक वायर को सीधा स्विच में कनेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसे यहाँ चिपका देते हैं और देखिए, मैंने इसका एक वायर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया स्विच से और दो वायर बाहर निकाल दिए हैं। अब बैटरी के नेगेटिव के साथ एक साथ नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया है। तो अब हम पावर बैंक मॉड्यूल ले रहे हैं। इस मॉड्यूल को हम इसके सॉकेट के साथ हम फेविक्विक की मदद से चिपका रहे हैं। तो आप भी चिपका सकते हैं और किसी ग्लू गन की मदद से भी चिपका सकते हैं आप। तो देखिए, मैंने इसे चिपका दिया। अब इसे बॉडी के साथ अटैच करेंगे। तो इसे हम यहाँ पर रख के सुपर ग्लू की मदद से चिपका देंगे। उससे पहले इसे हम पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए, मैं इसे कनेक्ट कर दिया है और चिपका दिया है। तो हम इसके ऊपर का कैप लेंगे और इस कैप को हम ऊपर रखेंगे और सुपर ग्लू की मदद से चिपका देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे चिपका दिया है। अब इसकी टेस्टिंग पर आ जाते हैं। तो देखिए, जैसे हम स्विच को पीछे करते हैं, ये LED स्ट्रिप ऑन होती है। तो देखिए, आप इसकी ब्राइटनेस देख सकते हैं। तो चलिए हम इससे फ़ोन चार्ज करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, मैं एक डाटा केबल ले रहा हूँ। जैसे मैंने डाटा केबल को इसके साथ अटैच किया है, अब मैं अपने मोबाइल के अंदर डालता हूँ। देखिए, मैंने मोबाइल के जैसे ही ये कनेक्ट किया और मोबाइल चार्जिंग पे आ गया। देखिए, आप देख सकते हैं फ़ोन चार्ज हो रहा है। चलिए मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। देखिए, फ़ोन चार्ज हो रहा है। देखिए, मैंने लीड निकाली और वापस लीड लगाते हैं, फ़ोन एकदम ऑन हो रहा है, मतलब फ़ोन चार्ज हो रहा है। तो चलिए, मैं इसको आपको दूसरे सॉकेट को चेक कर लेता हूँ। तो जैसे देखिए, मैं फ़ोन में इसकी लीड लगाता हूँ और फिर से फ़ोन चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, फ़ोन चार्ज हो रहा है। तो चलिए हम इसकी अब LED की टेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए, आप इसकी ब्राइटनेस देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी ब्राइटनेस है इसकी। तो देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कैमरे के सामने ला के। देखिए, बहुत तेज़ ब्राइटनेस है इसकी। तो देखिए, मैं इसे ऑफ़ ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए, ऑफ़ की, फिर से ऑन की, देख सकते हैं आप इसकी ब्राइटनेस। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।